एलनाबाद शहर पिछले काफी दिनों से क्रिकेट बुकीज का सुरक्षित गढ़ या यूं कहें कि सूखी बंदरगाह बना हुआ है। यहां हर बार सीजन के दौरान करीब एक दर्जन क्रिकेट बुकीज राजस्थान एरिया से आकर यहां बेरोक टोक अपना करोड़ों रुपए का धंधा चलाते हैं। इस बात की पुष्टि कल रात को सिरसा CIA स्टाफ पुलिस की कार्रवाई से हो गई है। सिरसा पुलिस के CIA स्टाफ ने एलनाबाद शहर के दो अलग अलग जगहों में छापा मारकर दो क्रिकेट बुकीज का भंडाफोड़ किया है। इन दोनों क्रिकेट बुकीज से पुलिस ने एक दर्जन क्रिकेट सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर उनसे काफ़ी मात्रा में सामान भी पकड़ा गया है। हालांकि पुलिस अक्सर एक मामूली से चोर को भी पकड़कर मीडिया के सामने उसे पेश करती है और उससे बरामद हुए सामान को दिखाकर अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन इन दो मामलों में करोड़ों रुपए की बुकीज पकड़े जाने के बावजूद बार बार कहने के बाद भी पुलिस ने ना तो एक दर्जन आरोपियों में से किसी एक आरोपी को भी मीडिया के सामने पेश किया और न ही उनकी कोई फ़ोटो दिखाई गई और न ही उनसे बरामद किए गए सामान की कोई फ़ोटो लेने दी गई। ऐसे में पुलिस की भूमिका का आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस मामले में बुकीज कितने प्रभावशाली हैं कि पुलिस उनकी इज्जत का पूरा ख्याल रख रही है। दोस्तों, इस संबंध में एलनाबाद के थाना प्रभारी राधेश्याम शर्मा ने बताया कि शहर के वार्ड नंबर 3 के एक घर में चल रही क्रिकेट बुकी चला रहे फजरुद्दीन नागरा पुत्र सदीक मोहम्मद निवासी वार्ड नंबर 24 पीलीमंगा राजस्थान व उसके 5 साथियों विकास पुत्र कृष्ण कुमार निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन, शकील अहमद पुत्र शौकत अली निवासी वार्ड नंबर 30 सूरतगढ़, पवन पुत्र रामगोपाल निवासी वार्ड नंबर 17 सूरतगढ़, दीपक सराफ पुत्र पवन कुमार निवासी सरकारी हॉस्पिटल के पीछे हनुमानगढ़ जंक्शन, अहमद अली पुत्र लाल खां निवासी वार्ड नंबर 40 सूरतगढ़ को गिरफ्तार किया है। उक्त लोग इंग्लैंड व पाकिस्तान के बीच चल रहे वनडे क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे थे। इनके पास से 2 LED, 4 लैपटॉप, 1 iPad, 1 Wi-Fi, 1 एंड्रॉयड प्लेयर, 1 अटैची जिसमें 38 फोन लगे हुए थे, 40 मोबाइल फ़ोन, 7 मोबाइल चार्जर, 2 माइक, 1 सेटअप बॉक्स, 1 कैलकुलेटर, 6 रजिस्टर जिसमें पैसों का हिसाब किताब रखा जाता है और 1 लिफाफे के अंदर रखे 4,000 रुपये नकद मिले हैं। उन्होंने बताया कि उप सभी लोग क्रिकेट बुकी का काम कर रहे थे। वे लगाई हुई रकम पर दोगुनी रकम देते थे। उनकी क्रिकेट बुकी की मेन लाइन अमृतसर पंजाब से ली हुई थी। एक अन्य मामले में CIA स्टाफ पुलिस ने एलनाबाद के वार्ड नंबर 11 के घर में चल रही क्रिकेट बुकी चला रहे कमल पुत्र मोहनलाल निवासी वार्ड नंबर 3 पीलीबंगा व उसके 5 साथी अयूब खान पुत्र अजीत खान निवासी वार्ड नंबर 11 पीलीबंगा, अरुण गुप्ता पुत्र महेंद्र पाल निवासी हनुमानगढ़ जंक्शन, रमन बंसल पुत्र सुरेश कुमार वार्ड नंबर 19 मलोट पंजाब, सुभाष पुत्र रामचंद्र निवासी वार्ड नंबर 31 पीलीबंगा, गुरुदत्त सिंह पुत्र भगवान दास निवासी वार्ड नंबर 15 पीलीबंगा को गिरफ्तार किया गया है। उक्त लोग इंग्लैंड व पाकिस्तान के बीच चल रहे वनडे क्रिकेट मैच पर सट्टा लगा रहे थे। इनके पास से 1 LED, 3 लैपटॉप, 1 iPad, 1 Wi-Fi, 1 एंड्रॉयड प्लेयर, 1 अटैची जिसमें 26 फोन लगे हुए थे, 18 मोबाइल फ़ोन, 10 मोबाइल चार्जर, 2 माइक, 4 हेडफोन, 1 कैलकुलेटर, 1 नोटबुक जिसमें पैसों का हिसाब किताब रखा जाता था, ये सब बरामद किया गया है। SHO ने बताया कि ये लोग क्रिकेट बुकी का काम कर रहे थे और लगाई गई रकम पर दोगुनी रकम देते थे। इनकी क्रिकेट बुकी की मेन लाइन भी अमृतसर पंजाब से दी हुई थी। पुलिस ने दोनों ही मामलों में गिरफ्तार किए गए एक दर्जन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके इन्हें कोर्ट में पेश कर दिया है। कल से ये स्टाफ द्वारा सरसा द्वारा दो जगह पे छापे मारे गए थे, एक वार्ड नंबर 3 है, एक मामा गांजा वाली गली में, जहाँ पे क्रिकेट की जो सट्टा में खाई वाली कर रहे थे उसमें 6-6 आदमी दोनों जगहों से गिरफ्तार किए गए हैं। ये लोग कुछ हनुमानगढ़ के हैं, कुछ पीलीबंगा वगैरह के रहने वाले हैं। तो इनसे कुछ इनसे काफ़ी मात्रा में मोबाइल, LCD और जो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ये बरामद किए गए, लैपटॉप वगैरह। कौन से मैच के सट्टा लगाए? ये इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो मैच चल रहा था उसके ऊपर सट्टा लगा लेते। तो इनसे क्या बरामदगी करोगे? इनसे बरामदगी फ़ोन वगैरह हैं, लैपटॉप है, LCD है तथा और जो इनके साथ लगने वाले उपकरण हैं इलेक्ट्रॉनिक वो हैं। टोटल कितनी जगहों पे छापा पड़ा है? टोटल 2 जगह पे छापा मारा था। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 6-6 आदमी
दोनों जगह से गिरफ्तार किए गए। कौन है ये? हैं एक में तो विकास वगैरह थे जिसमें 6 आदमी थे, तो दूसरी जगह कमलजीत वगैरह 6 आदमी थे। तो इनके खिलाफ कौन सा मामला दर्ज किया है? इनके खिलाफ आईटी एक्ट और गैम्बलिंग एक्ट का पर्चा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। कोर्ट पेश कर दिए? हाँ, इनको कोर्ट पेश करने के लिए गए हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल डी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल डी को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबा दें, ताकि आगामी दिनों में होने वाले ग्राम पंचायतों, नगर पालिका व विधानसभा उपचुनाव के दौरान हमारे द्वारा चैनल पर डाले गए सभी वीडियो तुरंत और सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप देखते रहिए केवल चैनल डी। धन्यवाद।